कर्नाटक एक राष्ट्र की परिकल्पना देने वाले पेशवा बाजीराव की पावन धरा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गणनायक से लोकनायक बनने की ये पावन धरा जिन्होंने तिलक को लोकनायक बनाया, देश के प्रथम स्वातंत्र समर को 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को देश का आजादी का स्वतंत्रता समर बनाने वाले वीर सावरकर और एक विधान के माध्यम से सब समान की संकल्पना को साकार करने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन धरा महाराष्ट्र की धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं कल भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में था, आज प्रातःकालीन सत्र में भी मैं महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में चुनावी रैलियों में था। आज मुझे मां मुंबा देवी की इस पावन धरा मुंबई के अंदर मीरा मयंदर थाने उल्लास नगर की जनता को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चुनाव चल रहे हैं, एक ओर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और यशस्वी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन इस चुनावी समर में महाराष्ट्र के अंदर आप सबके सामने है, और दूसरी ओर जिनकी न नीति है न राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी नीयत है न नैतिक बल ही रह गया है, ऐसा अनैतिक अनाड़ी गठबंधन के रूप में महाअघाड़ी भी आपके बीच में चुनावी समर में है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सबके लिए इस राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबके सहयोग की सहमति भी है, और इसीलिए मैं महाराष्ट्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है पिछले 10 वर्ष के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ भारत जो अपने देश की सीमा की सुरक्षा करना जानता है। याद करिए 2014 के पहले के भारत में क्या होता था, 2014 के पहले के भारत में पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, आवाज उठती थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि बोलिए मत, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। 2014 का भारत आज वह किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं। आज तो भारत की सीमा सुरक्षित है, दुश्मन घुसपैठ नहीं कर पाता है, आतंकी वारदात को अंजाम देने नहीं दे पाता है, बल्कि एक और भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान 23 करोड़ की मात्र आबादी वहां में अभी भूखों से मरने के लिए तड़प रही है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है, आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, कांग्रेस अभी फड़क रही है कि इसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की चार पुश्त भी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू नहीं कर सकते। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे, रेलवे,
मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं भी लागू हो रही हैं, तो गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, चाहे वह पीएम आवास की योजना हो, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार की योजना हो, और चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपए देने की व्यवस्था हो, यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व की महागाड़ी गठबंधन की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, खजाने को लूटते रहे, प्रदेश और देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करते रहे, और उनको कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था, विकास, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन इसमें नहीं कर पाए, कम से कम अयोध्या में रामलला का मंदिर ही बना देते, ये तो अभी नहीं कर पाए। जो कार्य कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य कराते हुए भगवान राम को फिर से अयोध्या धाम में विराजमान कर दिया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर आपकी चिंता होती, आपकी आस्था की चिंता होती, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये भी करते। 500 वर्षों की समस्या का समाधान 1947 में हो गया होता, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में आप कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब कभी नहीं था, नौजवान कभी नहीं था, महिलाएं कभी नहीं थी। ये तो जाति के नाम पे बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, मत और मजहब के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कहीं धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया, और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और यही आह्वान करने के लिए आया हूं। बंटना नहीं है, बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, और इसलिए एक रह करके महायुति गठबंधन के नेतृत्व में भाजपा या शिवसेना या एनसीपी के जो भी उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर इस चुनावी समर में है, उन्हें विजयी बना करके भेजना है, और महायुति